जी एडिशनल डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर एफआईए को फरीक बनाया गया है। तफ्तीशी अफसर आरिफा सईद को भी फरीक बनाया गया है। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हुसैन आगाह कीजिएगा इस दरख्वास्त के हवाले से। जी बिल्कुल, जो दानिया है मरूम आमिर लियाकत की सबका एहलिया, उनके हवाले से सिनाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि दानिया को जब लोधरा से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया उस वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, इसलिए जो एफआईए के तफ्तीशी अफसर है आरफा और इसके अलावा जो एडिशनल डायरेक्टर है उनके खिलाफ जो है तहकीकत की जाए और तहकीकत करके जो है गिरफ्तारी की वजूहत जो जानी जाए। दरख्वास्त जो इब्तदाई तौर पर जो दायर की गई है एडवोकेट जो है वो लियाकत गबोल के तवसुत से। दानिया जो है इस वक्त चूंकि जेल में, आज इनकी दरख्वास्त जमानत के ऊपर फैसला भी होना है, लेकिन उसके पहले जो है इन्होंने उसकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के लिए सिंधाई कोर्ट से रजू किया है और बताया जा रहा है कि कल मुमकिन तौर पर सिंधाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच जो है दरख्वास्त पर फैसला करेगा। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से अहम खबर है, शौहर ने बीवी से सुलह ना होने पर मुर्शिद को कत्ल कर दिया।